हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल में कल तीसरे चरण की वोटिंग, 31 सीटों पर 205 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। तीसरे चरण में ग्रामीण हावड़ा, डायमंड हार्बर और दक्षिण 24 परगना में डाले जाएंगे वोट। कल स्वपन दास गुप्ता की किस्मत का होगा फैसला। पश्चिम बंगाल में आज फिर बीजेपी की ओर से प्रचार की कमान संभालेंगे जेपी नड्डा। दो जनसभा के साथ एक रोड शो भी करेंगे। राज्यसभा सांसद जया बच्चन टोलीगंज में टीएमसी उम्मीदवार के लिए करेंगे रोड शो। सीएम ममता बनर्जी भी हो सकती है शामिल। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी आज साउथ 24 परगना के महेशपुर में करेंगे रोड शो, बीजेपी पर हमला बोलेंगे। पश्चिम बंगाल कोल माइनिंग केस में सीबीआई ने अनूप मांझी को फिर भेजा समन, आज पूछताछ होगी। कोयला तस्करी केस में बंगाल के बांकुरा में तैनात थाना प्रभारी अशोक मिश्रा गिरफ्तार, 7 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर। भगवा रंग में रंगा पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी इलाका, लाल सलाम की जगह गूंज रहा है जय श्री राम का नारा। नक्सलबाड़ी इलाके से ही नक्सल आंदोलन की हुई थी शुरुआत, बीजेपी का दावा, यहां के लोगों ने कम्युनिस्ट को पूरी तरह से नकारा। ईस्ट मिदनापुर में वोटिंग में हिंसा करने वालों की धरपकड़, सुरक्षा बलों ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कई देसी बम बरामद, खेत में 4 बाल्टी में छिपा कर रखे गए थे बम, पुलिस कर रही है जांच। नॉर्थ 24 परगना में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार तापस मजुमदार के लिए मांगे वोट। मनोज तिवारी ने नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी उम्मीदवार राजू बनर्जी के लिए किया प्रचार, टीएमसी पर रैली में बाधा पैदा करने का भी लगाया आरोप। नॉर्थ दमदम में बारापिंगा इलाके में बीजेपी उम्मीदवार अर्चना मजुमदार का आरोप का टीएमसी के शरारती तत्वों ने चुनाव प्रचार में बाधा डाली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सिलीगुड़ी में बीजेपी उम्मीदवार शिखा चैटर्जी के लिए किया रोड शो, शिखा चैटर्जी डाबग्राम कुलबाड़ी सीट से हैं उम्मीदवार। प्रहलाद पटेल ने कहा बंगाल में बीजेपी की आंधी, हताशा में ममता ने नंदीग्राम में किया तमाशा। असम में वोटिंग के बाद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की 200 कंपनियां असम से बंगाल में होंगी तैनात, 6 अप्रैल को होनी है तीसरे चरण की वोटिंग। केरल में प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने ऑटो की सवारी की, ऑटो पर बैठकर नमोम में रैली करेंगे, तेल के दाम बढ़ने का भी किया विरोध। ऑटो सवारी के बाद राहुल ने नमोम की रैली में मुद्दा उठाया, कहा बीजेपी बढ़ा रही है तेल के दाम, आपके पास वोट मांगने की कैसे हो रही है हिम्मत। केरल में राहुल ने बीजेपी और लेफ्ट पर बोला हमला, कहा दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समाज को बांटने और नफरत फैलाने का कर रहे हैं काम। राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के थिरुनेली मंदिर में भी पूजा की, सफेद परिधान में नजर आए राहुल। मंदिर में पूजा के बाद राहुल ने वायनाड में बच्चों के साथ ईस्ट पर लंच किया, बच्चों की प्रियंका से भी कराई वीडियो कॉल। तमिलनाडु में कल चुनाव की तैयारियां पूरी हुई, 234 सीटों पर 3998 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। तमिलनाडु में एआईएडीएमके चुनावी हैट्रिक को लेकर आश्वस्त, डीएमके को स्टालिन की ताजपोशी का पूरा भरोसा। तमिलनाडु के कोयंबटूर में वोटिंग से पहले सुरक्षा बलों ने टाउन हॉल इलाके में निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को सुरक्षा का दिया भरोसा। तमिलनाडु में वोटिंग से पहले गाड़ियों की चेकिंग जारी, जगह जगह चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने वाहनों की पड़ताल। त्रिची में प्रचार खत्म होने से पहले डीएमके उम्मीदवार पी अब्दुल सामिद ने बनाया ट्रेडिशनल स्नैक, मनपराई सीट से उम्मीदवार है पी अब्दुल सामिद। असम में कल तीसरे और आखिरी राउंड की वोटिंग, 40 सीटों पर हेमंत बिस्वा समेत 337 उम्मीदवारों की किस्मत, ईवीएम में होगी बंद। असम में प्रचार समाप्त होने के साथ ही कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह का दावा, कांग्रेस चुनाव में स्वीप करेगी, बीजेपी का प्रचार नेगेटिव। वोटिंग से पहले बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता रंजना खुंडूर बीजेपी में शामिल, कांग्रेस और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के तुमूलपुर सीट पर चुनाव स्थगित करने की मांग की। चुनाव आयोग ने तुमूलपुर सीट पर चुनाव टालने की बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की मांग को किया खारिज, केवल उम्मीदवार की मौत होने पर चुनाव टालने के नियम का दिया तर्क। असम के मंत्री हेमंत का प्रचार के दौरान विवादित बयान, का मास्क पहनने की कोई जरूरत ही नहीं। ममता ने हावड़ा की रैली में अभिषेक का मुद्दा उठाया, कहा मोदी और अमित शाह सिंडिकेट, अभिषेक और सुदीप के घर पर एजेंसीज को भेजा जा रहा है। हुगली की रैली में ममता ने पीएम मोदी पर भी सीधा अटैक बोला, कहा इतना खराब प्रधानमंत्री नहीं देखा, रोज झूठ बोलने के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले बयान पर ममता की चुटकी, कहा भगवान है या सुपरमैन, कैसे जान गए बीजेपी जीतेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिया ममता को जवाब, कहा कानून के मुताबिक काम कर रही है जांच एजेंसियां। निर्मला सीतारमन ने कहा यूपीए शासन में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, एजेंसीज को जांच की इजाजत नहीं मिली। ममता पर जेपी नड्डा का पलटवार, बोले टीएमसी अपना आपा खो चुकी है, उसे नहीं पता क्या बोलना है और क्या नहीं। ममता पर योगी ने तंज कसा, बोले एक मुख्यमंत्री का बूथ पर 2 घंटे बैठने का मतलब साफ है, ममता दीदी ने खुद ही हार मान ली है। योगी ने खेला राम मंदिर का कार्ड, बोले अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का हो रहा है निर्माण, लेकिन दीदी को कष्ट हो रहा है। श्रीरामपुर की रैली में सीएम योगी की चेतावनी, का बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो गुंडों का वही हाल होगा जो यूपी में हुआ।
योगी ने बंगाल के हुड़दंग की तुलना कश्मीर से की। कहा अब कश्मीर आतंकवाद नहीं, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने ममता के आरोपों का दिया जवाब। कहा बोयाल में बूथ नंबर 7 पर टीएमसी एजेंट को रोके जाने का आरोप गलत। चुनाव आयोग ने कहा आईपीएस नागेंद्र त्रिपाठी को बूथ पर भेजा गया, आईपीएस ने सही तरीके से वोटिंग होने की रिपोर्ट भेजी। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने टेप को बीजेपी का माइंड गेम बताया। पहले और दूसरे चरण में हार देखकर नए नए हथकंडे अपना रही है बीजेपी। नई टेप के बाद बंगाल की सियासत में भूचाल आया। शुभेंदु अधिकारी का दावा, ममता के भतीजे तक पहुंचाए गए 900 करोड़। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कोल स्कैम में सीधे मुख्यमंत्री शामिल, 10 साल से चल रहा है स्टेट स्पॉन्सर भ्रष्टाचार। दिनेश त्रिवेदी ने कहा खुलासे को टिप ऑफ दी आइसबर्ग, तोलाबाजी कट मनी हिंसा से भय का है माहौल, पूरे बंगाल को किया खोखला। दिनेश त्रिवेदी ने कहा ममता को स्कैम की जानकारी थी, धृतराष्ट्र की तरह सबको चुपचाप देखती रही। प्रकाश जावड़ेकर का ममता परिवार का 900 करोड़ रुपए के घोटाले में भतीजे को संरक्षण, बंगाल में परिवर्तन होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।